तो गाइस मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ क्लिक बेट को लेके, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा यूट्यूब में क्लिक बेट चलता है। तो गाइस क्या क्लिक बेट करना चाहिए, क्लिक बेट करने से हम लोगों का जो वीडियो अगर वायरल नहीं हो रहा है तो क्या वायरल हो जाएगा, या क्लिक बेट अगर आप भी करना चाहते हो तो उसमें क्लिक बेट करने से हमारा चैनल में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्लिक बेट कौन कौन क्रिएटर करता है, क्लिक बेट जो होता है यूट्यूब में सभी बताता है भाई क्लिक बेट करो, क्लिक बेट क्या है, किसको क्लिक बेट बोला जाता है। तो गाइस ये सारा कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेगा इस वीडियो से। तो गाइस इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका साथ में इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज भी मिलेगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में नए हैं तो प्लीज यार चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यूजर आईडी स्क्रीन में शो कर रहा है। तो गाइस क्लिक बेट जो है ये आप लोगों का वीडियो को वायरल करने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन सभी क्रिएटर को हेल्प नहीं करेगा। कोई भी कैटेगरी का चैनल में अगर आप क्लिक बेट करोगे तो उसमें आपको मैच भी नहीं करेगा, क्लिक बेट सही से कर भी नहीं पाओगे, उसका बाद में उसमें वीडियो वायरल होने का चांस जो है कम हो जाता है। क्लिक बेट क्या है? तो गाइस क्लिक बेट आप सभी को पता होगा, आप लोग यूट्यूब में ढेर सारा ऐसे वीडियो नजर आएगा जो क्लिक बेट करता है। वो कैसे होता है गाइस, मानो किसी के थंबनेल में देखो कोई फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला है, जस्ट थंबनेल में दिया हुआ है इस फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला है, टाइटल में भी वही दिया हुआ है इस फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला है, लेकिन गाइस अंदर में देखो कुछ और होता है, उसको बोला जाता है क्लिक बेट। लेकिन और भी बहुत सारा वीडियो मिलता है जिसमें थंबनेल में बताया जाता है भाई इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं, टाइटल में भी सेम दिया रहता है, लेकिन वीडियो का अंदर में जाओ फोन का अनबॉक्सिंग नहीं है, बस फोन का कुछ पीक लेके वो बोलता है भाई फोन का स्पेसिफिकेशन क्या है, इस फोन में इसका प्रोसेसर अच्छा है, इसका रैम अच्छा है, ये सब बताया जाता है, लेकिन उसको क्लिक बेट नहीं बोला जाता है, क्योंकि भाई वो है क्लिकेबल थंबनेल, वो क्लिकेबल थंबनेल को यूज किया जिसके वजह से वो उसका वीडियो वायरल हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हो, अपना वीडियो को वायरल कर सकते हो ऐसा करके, लेकिन क्लिक बेट किसे कहा जाता है? तो गाइस क्लिक बेट जो है बहुत ही कम क्रिएटर करता है क्लिक बेट। क्लिक बेट ज्यादातर जो होता है यूट्यूब में वो मूवीज या कोई सॉन्ग्स, कोई टेलर जो कैटेगरी का चैनल होता है उसमें आपको ज्यादा क्लिक बेट नजर आएगा, क्योंकि गाइस उसमें क्या होता है आप थंबनेल में देखो एक मूवीज टाइटल में दिया हुआ है वही मूवीज, लेकिन मूवीज का जैसे ही आप प्ले करोगे दूसरा मूवीज अलग मूवीज प्ले होता है, उसमें वो मूवीज दिया नहीं रहता है, उसको बोला जाता है क्लिक बेट। मतलब थंबनेल में कुछ और, टाइटल में कुछ और, वीडियो का अंदर में कुछ और, उसको क्लिक बेट बोला जाता है। लेकिन गाइस अगर आप थंबनेल में कोई अट्रैक्टिव थंबनेल, क्लिकेबल थंबनेल बनाओगे, लेकिन वही थंबनेल में जो आप बताए हो उसी को अगर आप वीडियो का अंदर में कुछ भी करके बताओगे तो उसको क्लिक बेट बोला नहीं जाता है, उसको बोला जाता है क्लिकेबल थंबनेल। ये तो हो गया क्लिक बेट किसे कहा जाता है। उसके बाद गाइस क्लिक बेट कौन कौन क्रिएटर अगर करेगा तो उसका चैनल में वीडियो जो होता है वायरल होने का चांस ज्यादा रहता है। तो मानो आपका टेक से रिलेटेड चैनल है तो अगर आप क्लिक बेट करोगी तो उसमें वीडियो वायरल होने का इतना चांस नहीं रहता है मैं सोचता हूँ, क्योंकि मानो आप एक टेक से रिलेटेड चैनल है तो उसमें आप अगर क्लिक बेट करोगी, मतलब जिस तरह क्लिक बेट आप थंबनेल में कुछ और लिखोगे, टाइटल में कुछ और डालोगी, वीडियो के अंदर में कुछ और बोलोगी, तो गाइस ऑडियंस एक बार आएगा आपका वीडियो में, एक बार आ जाएगा वीडियो वायरल थोड़ा बहुत हो गया है तो उस ऑडियंस को पता चल गया भाई इस बंदे का जो वीडियो होता है वो कुछ टाइटल में कुछ और रहता है, थंबनेल में कुछ और रहता है, वीडियो का अंदर में कुछ और बोला जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो अपलोड करेगी तो भाई अच्छे कंटेंट आप प्रोवाइड करने से भी उतना ऑडियंस नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों को तो पता चल गया भाई इसका वीडियो में वेट करता है ये बंदा ज्यादा, तो आपका वीडियो में उतना ऑडियंस नहीं आता है। लेकिन क्लिक बेट अगर आपका एक मूवीज चैनल है या सॉन्ग्स अपलोड करते हो या कोई मूवीज का ट्रेलर अपलोड करते हो तो उसमें क्लिक बेट करोगी तो उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि उसमें जितना ऑडियंस आएगा वो सब इंटरटेनमेंट के लिए आता है, बस मूवीज का सार्च कर दिया भाई इस मूवीज को देखना है, मैं क्लिक बेट करूंगी तो कोई बंदा उसमें डेफिनेटली जाएगा, हर बार उसमें व्यूअर्स बढ़ते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा, आपका वीडियो वायरल होते रहेगा। लेकिन अब टेक से रिलेटेड अगर आपका चैनल है, अगर आप क्लिक बेट करोगी तो उसमें आपका व्यूअर्स में इंक्रीज नजर नहीं आएगा। उसके बाद गाइस क्लिक बेट क्या आप भी करना चाहते हो, उसमें अगर आप क्लिक बेट करोगे क्या आपका चैनल में कुछ इफेक्ट नजर आएगा? तो गाइस ऐसा कोई बात नहीं है, क्लिक बेट करने से कोई प्रॉब्लम आपका इशू चैनल में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपना चैनल को ग्रो करने के लिए या वीडियो को वायरल करने के लिए आप क्लिकेबल थंबनेल बनाओ या कुछ अट्रैक्टिव करो, कुछ यूनिक आप सोचो, कुछ हटके करने के लिए कोशिश करो, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करो, ये खुद यूट्यूब बताता है। तो गाइस आप चाहो तो क्लिक बेट कर सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ गाइस कैटेगरी के हिसाब से आपका क्लिक बेट करना सही रहेगा। आप कोई भी कैटेगरी में अगर क्लिक बेट करोगे तो उसमें आपका कोई भी फायदा नजर नहीं आएगा, ये होता है क्लिक बेट। क्लिक बेट बहुत ऐसे क्रिएटर होता है क्लिक बेट करता है, लेकिन उसको क्लिक बेट कहा नहीं जाता है, उसको जस्ट बोला जाता है क्लिकेबल थंबनेल। आप भी चाहो तो बना सकते हो क्लिकेबल थंबनेल। तो गाइस इस तरह करके आप अपना वीडियो को वायरल कर सकते हो क्लिकेबल थंबनेल से भी,
वीडियो वायरल होने का चांस रहता है, लेकिन आप कभी भी क्लिक बेट करना मत सोचना, क्लिक बेट करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपका सॉन्ग से रिलेटेड, टेलर से रिलेटेड आपका चैनल है तो भाई आप क्लिक बेट कर सकते हो, बेफिक्र होके, कोई भी आपको नुकसान या कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपका वीडियो जो है वायरल हो जाएगा इजी में। मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दिया, क्लिक बेट क्या होता है, क्यों, कौन कौन क्लिक बेट यूज करता है, इसको यूज करने से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। तो आप भी चाहोगे तो क्लिक बेट कर सकते हो, वो आपका ऊपर डिपेंड है। थंबनेल यूज कर सकते हो, टाइटल को भी यूज कर सकते हो, इसमें आपका वीडियो वायरल होने का चांस बढ़ जाएगा। तो कैसे, आशा करता हूँ सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो स्क्रीन में यूजर आईडी शो कर रहा है। तो कैसे, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।